और जो एक्स्ट्रा वाला जो सरकार का स्कीम आया उसमें हो सकता है 3-4 दिन का गैप, क्यों? क्योंकि गोदाम से हो सकता है उसने अलग अलग समय पे उठाया, ठीक है। तो हम लोगों का निर्देश जो है वो स्पष्ट है कि भाई आप लोगों को दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आप एक साथ कर दीजिए, ठीक है, ओरिजिनल वाला प्लस आपका दिस वन नया सिक्का, या आप 2-3 दिन के कैप कर दीजिए। लेकिन ये जरूर इंश्योर कर लेना है कि भाई वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग हो, प्लस सारे डीलर्स पे, ठीक है, सारे वीडियोस के माध्यम से और सारे एमओस के माध्यम से एक एक फील्ड फंक्शनरी को टैग किया गया। अब वो ग्रामीण आवास सहायक भी हो सकता है, वो पीआरएस भी हो सकता है, वो पंचायत सचिव भी हो सकता है, वो विकास मित्र भी हो सकता है, वो टेला टोला सेवक भी हो सकता है, वो तालीमी मरकज भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो कि सरकारी महकमे का फील्ड फंक्शनरी हो। उनका ये दायित्व है कि भाई ये इंश्योर कर लीजिए आपकी भाई डिस्ट्रीब्यूशन आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम पे 4-5 बजे तक, आपका 4 बजे तक इफेक्ट, 4 बजे तक चालू रहे, ठीक है, ये उनका दायित्व है। और वो हमको रिपोर्ट करें, जैसे आज ही हम लोगों ने एक जगह पे FIR के लिए भी बोला है, किसी जगह से हम लोगों को इस प्रकार की कंप्लेंट आती थी कि भाई जो डीलर है उसने बदमाशी कुछ किया, तो हम लोगों ने तुरंत दिशा निर्देश दिया कि भाई आप तुरंत जाके विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। तो हमारा देखिए स्पष्ट है जी जिला लेवल से कि भाई हमको इन सब चीजों का एक ये दाएं बाएं अगर किसी ने किया नीचे तो जी हम सख्त कार्रवाई करें। और अगर हमारे संघार में पॉस मशीन सर डीलर के ही अंगूठा से खुल रहा है ये तो वो तो लाभुक को था सर, वो स्टेट से ही निर्देश प्राप्त हुआ, तो इसमें हम कुछ कमेंट कर लेंगे नहीं भी कर सकते क्योंकि आपको डायरेक्शन पड़ गया सिर्फ डीलर को ऑथेंटिकेशन होगा।